हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं फातमा सिद्दीका, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। वेब डिज़ाइनिंग टूल्स लेक्चर सीरीज के लेक्चर 6 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगी अबाउट पैलेट्स एंड लेयर्स। फोटोशॉप के अंदर पैलेट्स एंड लेयर्स जितनी भी होती हैं वो मैं ऑलरेडी ब्रीफली आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ, जब हमने इंटरफेस डिस्कस किया था। तो आज इसे मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रही हूँ। देखते हैं पैलेट्स में क्या क्या आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि फोटोशॉप को जब आप ओपन करते हैं इंटरफेस में, राइट साइड पे आपको पैलेट्स नज़र आते हैं, और ये मेन्यू बार में विंडो ऑप्शन पे जाके आपको जिस भी पैलेट की ज़रूरत होती है आप उसको पे क्लिक करेंगे तो वो पैलेट यहाँ अपेयर हो जाता है। और अगर आपको किसी पैलेट की ज़रूरत नहीं है तो आपको वहाँ से जाके उसको दोबारा क्लिक करेंगे, डीसेलेक्ट करेंगे तो पैलेट स्क्रीन से आपके डिसअपियर हो जाएगा। तो बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ पैलेट्स आपको वहाँ मिलेंगे। फर्स्ट वन इज़ कलर स्वेचेस एंड स्टाइल पैलेट्स। कलर स्वेचेस एंड स्टाइल एक साथ लिखा गया है बिकॉज ये सब एक ही पैलेट के पार्ट हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप कलर का है, सेकेंड स्वेचेस एंड थर्ड स्टाइल्स का होता है। सेकेंड पैलेट जो होता है वो होता है हिस्ट्री एक्शंस एंड टूल प्रीसेट पैलेट। यहाँ भी आप देख सकते हैं फर्स्ट टैब आपका हिस्ट्री टैब है, सेकंड एक्शंस एंड तीसरा टूल प्रीसेट, एंड इसके बाद थर्ड वन इज़ योर लेयर्स पैलेट। यहाँ से आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं, यहाँ से इसमें लेयर्स में चैनल्स एंड पाथ्स भी होते हैं। तो हम डिटेल में देखते हैं इनका मीनिंग क्या है। सबसे पहले कलर स्वेचेस एंड स्टाइल्स पैलेट। तो कलर पैलेट मिक्स द कलर, बेसिकली आरजीबी कलर्स, and select it for the foreground and background colors. In case of another color type, you can choose it among the list of the pop menu. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कलर पैलेट में आपको RGB तीन कलर्स, यहाँ पे RGB कलर मॉडल यहाँ यूज़ किया गया है, सेलेक्ट किया गया है, और उसकी वैल्यूज आपको यहाँ से मिल रही हैं। तो जिस भी कॉम्बिनेशन में आपको अपना RGB सेलेक्ट करना है, आप यहाँ से इसे ड्रैग करके RGB की वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप यहां से टाइप कर सकते हैं, नीचे से भी यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप मिक्स कर सकते हैं कलर्स को RGB की डिफरेंट डिफरेंट रेड ग्रीन एंड ब्लू की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ मिक्स करके एक अपना कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, एंड उसको फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स दोनों के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर आप कैसे सेलेक्ट करते हैं? फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर आपका टूल बार जो होता है उसमें आपको इस तरीके का, इसे नीचे की साइड आपको एक जो है बटन होता है, तो जब आप उसको जो भी सिलेक्टेड होता है, जैसे यहाँ पे अभी ये सिलेक्टेड है, ठीक है, तो ये जो है दिस वन इज़ फॉर फॉर फोरग्राउंड एंड दिस वन इज़ फॉर बैकग्राउंड। सेकंड है स्वेचेस। स्वेचेस क्या होते हैं? यू कैन चूज कलर्स अमंग द सैम्पल्स ऑफ कलर्स, यानी कि वहाँ पे कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड सैम्पल्स दिए होते हैं जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप अपनी मर्जी से कोई भी किसी भी वैल्यू का कॉम्बिनेशन ऑफ RGB यूज़ करके कलर क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ आपको ऑलरेडी सैम्पल्स दिए होते हैं। यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन एनी सैम्पल, जो भी सैम्पल आपको वेरिएशन कलर का आपको सेलेक्ट करना है आप उस पर क्लिक करेंगे, एंड देन उसको आप अपनी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। थर्ड होता है स्टाइल्स। You can choose a special effect of colors on the layer you selected, such as texts, buttons, and images. Styles में already बने हुए यहाँ पे आपको styles जो already defined styles हैं Photoshop के अंदर, वो यहाँ आपको मिलेंगे, जिसे आप use कर सकते हैं text के केस में, buttons के केस में, और अपनी images में कहीं भी आप इसको apply कर सकते हैं। इसके अलावा आप different styles create भी कर सकते हैं। उसका भी तरीका होता है कि आप अपना स्टाइल, एक पर्टिकुलर आपने कोई इमेज बनाई, एंड फॉर एग्जांपल कोई आपने कलर्स यूज़ करके एंड शेडिंग यूज़ करके आपने कुछ कोई पर्टिकुलर स्टाइल अपना बनाया, एंड देन आपको यहाँ आपने उसको यहाँ से सेव कर दिया, जिससे कि आप उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ये तीनों पैलेट्स हो, ये तीनों जो है टैब्स हैं जो कि कलर स्वेच एंड स्टाइल्स पैलेट कहलाता है। सेकेंड होता है आपका हिस्ट्री एक्शन एंड टूल प्रीसेट पैलेट। हिस्ट्री पैलेट, हिस्ट्री पैलेट में फोटोशॉप ऑटोमेटिकली सेव द प्रोसेस ऑफ योर वर्क, बेसिकली 20 स्टेप्स प्रायर टू द करंट वर्क। यहाँ से आप हिस्ट्री में देख सकते हैं, जो यहाँ पे आपको हिस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स मिलेंगे, जो भी आप फोटोशॉप में वर्क करेंगे वो आपका हिस्ट्री पैलेट में सेव हो जाता है।
जो भी आप एक्शन परफॉर्म करेंगे, ओपनिंग ऑफ इमेज से लेके अगर क्लिक किया, सेलेक्ट किया, ब्रश टूल यूज़ किया, जितने भी टूल्स आपने यूज़ किए, जो भी चेंजेस किए, वो आपका हिस्ट्री पैलेट में आपको शो होता है, यहाँ से सेव रहता है। 20 स्टेप्स यहाँ से आपको करंट वर्क के जो है अवेलेबल रहते हैं। आप उसको फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी स्टेप को अंडू करना है, आपने कुछ चेंजेस किए, कोई कलर फिल किया और आपको लगा कि नो दिस इज़ नॉट वर्केबल, तो आप पर्टिकुलर आप हिस्ट्री से जाके उसको अंडू कर सकते हैं। आप उससे ऊपर वाला स्टेप सेलेक्ट करेंगे तो जो अभी करंट स्टेप है आपका वो अंडू हो जाएगा। चेंज द नंबर ऑफ स्टेप, इट सेव्स, एडिट प्रेफरेंसेस, जनरल हिस्ट्री। यहाँ से आप इसमें जो बाई डिफॉल्ट होता है 20 स्टेप्स ये सेव करके होते हैं यहाँ से हिस्ट्री में, आप उसको नंबर ऑफ स्टेप्स को सेव जितने होते हैं उसको चेंज भी कर सकते हैं। एडिट प्रेफरेंस में जाके, जनरल में जाके, हिस्ट्री स्टेट्स में, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपको 50 स्टेप्स नज़र आए तो 50 स्टेप्स भी यहाँ आप उसको चेंज कर सकते हैं। सेकेंड है आपका एक्शंस पैलेट। एक्शंस पैलेट में क्या होता है, एक्शन पैलेट सेव्स बेसिक टेक्निकल इफेक्ट्स एंड एडजस्ट इनटू मोर देन वन इमेज। बेसिक टेक्निकल इफेक्ट्स जो होते हैं वो यहाँ से आपको सेव हो जाते हैं, जैसे कि आप उसको मोर देन वन इमेजेस में अप्लाई कर सकें। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्शन, फ्रेम चैनल, 50 पिक्सल, वुड फ्रेम, ये सारे जो है एक्शंस जो भी हैं वो यहाँ से आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, सेव हैं, जिससे एक बार आपका जो भी एक्शन सेव किया हुआ, जो भी आपने सेटिंग की, वो आप दूसरी इमेज में भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। टूल प्रीसेट पैलेट में क्या होता है, सेलेक्ट द ब्रश विच यू मेड एंड सेव। टूल प्रीसेट में आप जब ब्रशेस पे वर्क करेंगे तो आपने अपने ब्रशेस की जो भी उसकी सेटिंग्स की हैं, ठीक है, जैसे उसकी ब्रश की जो आपने पॉइंट सेट किया है, कितने उसकी कितने डेप्थ है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, किस टाइप का ब्रश है, तो वो सारी जो आपकी टूल्स की जो सेटिंग्स होंगी ब्रश टूल की, वो यहाँ से आप उसको सेव कर सकते हैं। सेलेक्ट द ब्रश विच यू मेड एंड सेव, जैसे कि आप को फ्यूचर में बार बार वो सारी कॉन्फ़िगरेशन, वो सारे चेंजेस अप्लाई नहीं करने पड़ेंगे। अब देखते हैं फाइनली लेयर्स के बारे में। तो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोशॉप या किसी भी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर की टूल की जब हम बात करते हैं तो लेयर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एंड यू ऑल मस्ट नो अबाउट वर्किंग विद लेयर्स। लेयर्स के बिना बेसिकली आप इफेक्टिव डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते। One of the Photoshop's most powerful feature is the ability to create and use multiple layers within the same image. ये Photoshop की beauty है जो same image में multiple layers हम create करके उस पर different objects उसमें बना सकते हैं and उनको modify कर सकते हैं। A layer is literally what it sounds like, one layer on top of another, all of which can be edited independently of each other and laid on top of or beneath one another. एंड देन लेटर कम्बाइन टू फॉर्म अ सिंगल फ्लैट इमेज। तो लेयर्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे कि उसके नाम से ही पता चलता है कि एक के ऊपर एक दूसरी लेयर होती है, क्योंकि एक लेयर ऊपर होती है, देन दूसरी लेयर उसके ऊपर होगी, एंड देन थर्ड लेयर उसके ऊपर होगी, एंड ठीक है, तो एक टॉप लेयर होगी, एक बॉटम लेयर होगी, एंड कम्बाइन जब हम उनको कर देंगे तो एक फ्लैट इमेज प्रोड्यूस होगी जो कि हमारी फाइनल इमेज होगी सभी लेयर्स को कम्बाइन करने के बाद। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं लेयर्स पैलेट आपका होता है। लेयर्स पैलेट सेपरेट ईच स्टेप ऑफ वर्क्स फ्रॉम अदर। जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसके डिफरेंट स्टेप्स को ये सेपरेट करता है। तो यहाँ से ये बैकग्राउंड आप देख सकते हैं जो कि आपकी बैकग्राउंड लेयर है, देन उसके ऊपर लेयर 1, 2, 3। बाई मेकिंग लेयर्स एंड वर्किंग डिफरेंट स्टेप्स ऑन ईच लेयर यू कैन मेक सेपरेट इफेक्ट्स ऑन ईच लेयर। आप डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे डिफरेंट इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो वॉट आर ऑल दीज ऑप्शन इन द लेयर्स विंडो। तो अब लेयर्स विंडो को समझने की ज़रूरत है कि इसमें ये सभी ऑप्शन क्या है। फर्स्ट वन इज़ द पेंट ब्रश सिम्बल। ये आपको ये यहाँ से एक पेंट ब्रश नज़र आ रहा है, जो पेंट ब्रश सिम्बल, इसका क्या मीनिंग होता है। दिस सिम्बल एंड द ब्लू शेडिंग ऑफ द लेयर नोट्स द करेंटली एक्टिव। जो एक ब्लू शेडिंग है लेयर की आप देख सकते हैं, तो इस लेयर में एंड जिसके ऊपर पेंट ब्रश लगा हुआ है, ये इसका मतलब ये है कि जो ये पर्टिकुलर लेयर है ये आपकी करंट लेयर है, एक्टिव लेयर है, सिलेक्टेड लेयर है, सिलेक्शन शो कर रहा है, एंड पेंट ब्रश यहाँ से है। दीज लेयर्स आर नॉट एक्टिव एट दिस टाइम, यू आर वर्किंग ऑन दिस लेयर 3। शो एंड हाइड लेयर,
When the eye icon is visible, the layer is displayed in your project. If the eye icon is clicked and the layer is hidden but not deleted. तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक आई आइकन बना हुआ है सभी लेयर्स में. तो अगर आई आइकन आई इज ओपन, ये आइकन आप यहाँ से डिस्प्ले है, तो इट मीन्स जो लेयर है वो आपकी प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड है. एंड अगर आपकी का आई आइकन यहाँ से आई क्लोज है, यानी कि आई आइकन डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स वो लेयर आपकी हिडन लेयर की तरह से वर्क करती है. उस लेयर में जितनी भी डिजाइनिंग है, जो भी ड्राइंग है, जो भी इमेजेस हैं, वो आपकी हाइड हो जाएंगे. एंड फाइनल जो आपकी इमेज होगी वो उसमें डिस्प्ले नहीं होगी. तीसरा आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आपको 100% फिल शो कर रहा है. तो लेयर में जो यहाँ से आप इसकी जो जो कलर है उसको ये शो कर रहा है कि लेयर की जो फिल अमाउंट है वो 100% है. एंड यहाँ से आप देख सकते हैं जो ओपेसिटी आप सेट कर सकते हैं लेयर की, यानी कि ओपेसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. ओपेसिटी 100% है, यानी कि 0% ट्रांसपेरेंट लेयर है. ठीक है, तो यहाँ से आप अगर उसको आपको ट्रांसपेरेंट लेयर बनानी है, बैकग्राउंड उसमें जो भी उसमें लेयर में आप जो है डिज़ाइनिंग है, वर्क है, उसको आप ट्रांसपेरेंसी देना चाहते हो कंप्लीट लेयर के ऊपर, तो आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं. तो लॉक कर सकते हैं लेयर को. इफ़ यू लॉक द लेयर देन उसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं होगी, उसके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो मूव नहीं कर पाएंगे. तो एक बार आप फाइनल वर्क करने के बाद अपने लेयर को लॉक यूज़ कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं. आप लेयर को का जो जो क्रम है, जो टॉप एंड बॉटम पे अरेंज है, ये ऊपर नीचे भी कर सकते हैं. लाइक आपको फील हुआ कि ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर आना चाहिए, तो आप उसको जस्ट अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं लेयर को. इसके अलावा और भी इस लेयर पैलेट में आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको बिन नज़र आ रहा है. अगर आपको लेयर को डिलीट करना है, तो जो भी सिलेक्टेड लेयर होती है आप ये जस्ट इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो लेयर आपकी डिलीट हो जाती है. आपको न्यू लेयर फॉर्म करने के लिए ये बटन यहाँ दिया होता है. इसके अलावा आप मास्किंग कर सकते हैं लेयर में, और अदर इफ़ेक्ट्स आप जो है फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ लेयर्स लाई करेगा. तो ये सब इफ़ेक्ट्स आप यहाँ से सब ऑप्शंस जो हैं आप लेयर्स पे ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं. लिंक आइकन इंडिकेट्स इफ द लेयर इज़ करेंटली लिंक टू अनदर लेयर. लिंक आइकन होता है जिस जो इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर लेयर आपकी दूसरी लेयर से लिंक्ड है, कनेक्टेड है. When linked layers act locked together and will move with each other accordingly. तो जो भी layers linked होंगे, for example हमने layer 1 and layer 2 को link कर दिया, तो अगर आप layer 1 को move करेंगे तो layer 2 भी उसके साथ move होगी. तो वो basically lock हो जाती हैं, and जब आप उन्हें move करते हैं तो वो separately move नहीं होती, एक साथ move होती हैं, but still remain separate layers. But फिर भी वो separate layers की तरह से वर्क करती है. लेयर्स कैन बी लिंक टुगेदर बाई सेलेक्टिंग वन लेयर एंड देन क्लिकिंग द बॉक्स इन द अदर लेयर्स टू डिस्प्ले द लिंक आइकन. नंबर 3 ऑन द अबव लिस्ट एंड इमेज. जो लेयर्स होती हैं उसको आप लिंक कैसे करेंगे, आप एक लेयर को पे आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद दूसरी लेयर पे क्लिक करेंगे एंड देन लिंक आइकन को आप सेलेक्ट करेंगे जो है, तो उसके बाद आपकी लेयर्स जो होती हैं वो लिंक हो जाती हैं. बैकग्राउंड, द बैकग्राउंड इज टेक्निकली नॉट ए लेयर, हाउएवर इट कैन बी एडिटेड. इट इज़ द बॉटम मोस्ट पोर्शन ऑफ द इमेज. बैकग्राउंड लेयर आपकी बेसिकली टेक्निकली कोई लेयर नहीं होती, जो है वो तो बाय डिफॉल्ट होती है. जब भी आप कोई भी इमेज ओपन करते हो तो जो भी लेयर में वो होती है जो है, तो वो बैकग्राउंड लेयर कहलाती है. लेकिन इसको भी आप एडिट कर सकते हो. इट्स द बॉटम मोस्ट, बैकग्राउंड लेयर हमेशा बॉटम मोस्ट पे होती है. इसको एडिट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लॉक शो कर रही है, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है. तो आप डबल क्लिक करेंगे तो ये लॉक ओपन हो जाता है एंड देन आप बैकग्राउंड लेयर को एडिट कर सकते हैं. फाइव पॉइंट है इसका. ए लेयर, ईच लेयर हैज़ इट्स ओन नेम. बेसिकली ये लेयर नेम है यहाँ से, तो ईच लेयर हैज़ इट्स ओन नेम. डिफॉल्ट इज बाय नंबरिंग. जैसे कि बाय डिफॉल्ट लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 नंबरिंग है, तो यहाँ से अगर आप इसको डबल क्लिक करते हैं लेयर्स के नेम को एंड उसके बाद आप यहाँ से इसको रीनेम कर सकते हैं. जैसे कि अगर किसी लेयर में आपने कोई कैरेक्टर डिस्प्ले बनाया है तो आप उसका नाम दे सकते हैं. कोई ऑब्जेक्ट है आपने जो है माउंटेन्स बनाए हैं तो आप उस लेयर को माउंटेन दे दें. जैसे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस लेयर में पर्टिकुलरली आपने क्या डिज़ाइन किया है या कौन सी इमेज इस लेयर में आपने रखी है. फाइनली टेक्स्ट लेयर होती है. तो टेक्स्ट लेयर क्या होती है, एडिंग टेक्स्ट क्रिएट्स अ न्यू लेयर
टेक्स्ट स्पेसिफिक लेयर। जैसे आप जब भी टेक्स्ट यूज करते हैं अपनी इमेज में तो ऑटोमेटिकली एक न्यू टेक्स्ट लेयर क्रिएट हो जाती है जिसे हम टेक्स्ट लेयर कहते हैं। तो टेक्स्ट हमेशा न्यू लेयर पे ही होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग। बाय।